नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। गुरु नानक सिख धर्म के पहले गुरु माने जाते हैं। नानक जी ने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 में कार्तिक पूर्णिमा को एक हिंदू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम लाला कल्याण राय मेहता कालू जी और माता का नाम तृप्ता देवी था। नानक जी के गाँव का नाम तलवंडी था। तलवंडी का यह गाँव आगे चलकर नानक के नाम पर ननकाना पड़ गया। इनका परिवार कृषि करके आमदनी करता था। गुरु नानक का जहां जन्म हुआ था वह स्थान आज उन्हीं के नाम पर ननकाना के नाम से जाना जाता है। ननकाना अब पाकिस्तान में है। नानक जी में बचपन से ही आध्यात्मिक विवेक और विचारशील जैसी कई खूबियां मौजूद थी। उन्होंने 7 साल की उम्र में ही हिंदी और संस्कृत सीख ली थी। 16 साल की उम्र तक आते आते वह अपने आसपास के राज्यों में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और जानकार बन चुके थे। इस्लाम, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और शास्त्रों के बारे में भी नानक जी को जानकारी थी। शास्त्री होने के बाद उन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रसार हेतु एक सन्यासी की तरह अपनी पत्नी और दोनों पुत्रों को छोड़कर धर्म के मार्ग पर निकल पड़े और लोगों को सत्य और प्रेम का पाठ पढ़ाना आरंभ कर दिया। धार्मिक कट्टरता के वातावरण में उदित गुरु नानक जी ने धर्म को उदारता की एक नई परिभाषा दी। उन्होंने जगह जगह घूमकर तत्कालीन अंधविश्वासों, पाखंडी आदि का जमकर विरोध किया। वह हिंदू मुस्लिम एकता के भारी समर्थक थे। धार्मिक सद्भाव की स्थापना के लिए उन्होंने सभी तीर्थों की यात्रा की और सभी धर्मों के लोगों को अपना शिष्य बनाया। उन्होंने हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों की मूल एक सर्वोत्तम इच्छाओं को सब मिश्रित करके एक नए धर्म की स्थापना की, जिसके मिलाधार थे प्रेम और समानता। यही बाद में सिख धर्म कहलाए। भारत में अपनी ज्ञान की ज्योति जगाने के बाद उन्होंने मक्का मदीना की यात्रा की और वहां के निवासी भी उनसे अत्यधिक प्रभावित हुए। 25 वर्ष के भ्रमण के पश्चात गुरु नानक साहेब करतारपुर में बस गए और वहीं रहकर उपदेश देने लगे। उनकी वाणी आज भी गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है। 38 साल की उम्र में सुल्तानपुर लोधी के पास बैन नदी में नहाते समय गुरु नानक देव जी ने भगवान का उपदेश सुना कि वह महानता की सेवा करने के लिए खुद को समर्पित कर दे। इसके बाद वह पहला वाक्य जो उनके मुंह से निकला वह यह था कि ना तो कोई हिंदू है ना ही कोई मुसलमान। उन्होंने अपने सुंदर सरल वाणी से जनमानस के हृदय को जीत लिया। लोगों को बहुत सरल भाषा में समझाया कि सभी इंसान एक दूसरे के भाई हैं। ईश्वर हम सब के पिता हैं। फिर एक पिता की संतान होने के बावजूद हम में ऊंच नीच कैसे हो सकती है। जीवन के अंतिम दिनों में इनकी ख्याति जिन जिन स्थानों से पूज्य श्री गुरु नानक जी गुजरे थे वह आज तीर्थ स्थल का रूप ले चुके हैं। अंत में 22 सितंबर 1539 में जपू जी का पाठ करते हुए उनका स्वर्ग प्रयाण हुआ। मृत्यु से पहले उन्होंने अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकार घोषित किया, जो बाद में गुरु अंगद देव के नाम से जाने गए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज़।